हॉस्पिटल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी अपडेट है क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं क्या किया जाए। यूएसएमएलई आप लोगों ने जरूर देना है, आपने ऑप्ट करना है नहीं करना, जो भी करना है आपने, यूएसए जाना है या नहीं जाना, लेकिन आपको यूएसएमएलई देना जरूरी है क्योंकि आप अपने एफसीपीएस एमआरसीएस किसी के भी बाद दो साल के लिए वहां पे फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आज तक रिग्रेट करता हूं कि मैंने जो है क्यों नहीं दिया यूएसएमएलई। यूके जो है इज अ गुड ऑप्शन, आइल्स ने अपना, आप ओईटी भी दे सकते हैं और यूके जा सकते हैं, एमआरसीएस यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी दे सकते हैं आप और एमआरसीएस के बाद भी जा सकते हैं। प्लान ये होना चाहिए कि बेसिक साइंसेस के लिए पढ़ें एफसीपीएस पार्ट वन के लिए और उसी के साथ एमआरसीएस ए के लिए भी पढ़ें। तो आप जब अपनी एफसीपीएस की ट्रेनिंग में आ जाएंगे तो आप उसके साथ जो है अपना एमआरसीएस या एमआरसीपी या एमआरसीओजीबी वन निकाल। इन सब डिग्रीज का क्या फायदा है? वो ये फायदा है कि आपके क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आप उसमें लिखते हैं एक तो ये। दूसरा, आगे जाके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जो कि ओवर सैचुरेटेड होगी, तो एक किसी की एक डिग्री है, आधी डिग्री है, तो उस पे जो है आपको ज्यादा वो मिलेगी, इम्पोर्टेंस मिलेगी और ये डिग्रीज आपको पॉलिश करती हैं, नॉलेज आएगी आप में एक चेंज आएगा जब आप इन कॉलेजेस के। जॉब ओपनिंग्स इन यूके ब्रेक्सिट के बाद बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं, तो यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर दैट, इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लॉन्ग है, कनाडा में भी है, कनाडा और एएमसी के जो लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं उनमें वही बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको और फिर आपको ये जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं मेडिसिन सर्जरी गायनी ईएनटी ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी जनरल। तो वो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी ट्रेनिंग एफसीपीएस क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग जल्दी से स्टार्ट करें, जहां पे भी मिले फील्ड डिसाइड करें और स्टार्ट करें और डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि एक एक साल से वेट कर रहे हैं कि मुझे यहां ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं स्टार्ट करूंगा ये करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वो कैसे ग्रैस्प करता है क्या करता है, और ट्रेनिंग अपनी अच्छी जगह पे स्टार्ट करें, नहीं हो रही तो इनिशियली स्टार्ट कर लें कहीं पे भी, लेकिन डोंट वेस्ट। कोई क्वेरी है तो आप कैरियर काउंसलिंग के लिए पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग व्हाट यू नीड। ये सारी चीज इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास आज एक हाउस ऑफिसर आया था, ही इज अप्लाइंग फॉर यूके, तो ही वॉज नॉट गिविंग पाकिस्तानी एग्जाम, आई कन्विंस्ड हिम टू गिव दैट एंड ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू गिव यूएसएमएलई एज वेल, बिकॉज मेरे जमाने में कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपको गाइड करने वाले लोग हैं।